नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, आप में दम है ना तो भाई खुद को आना पड़ेगा। राजस्थान सरकार आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। मैं बता देता हूँ आपको, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे जैसे मेरे पास न्यूज़ आती है सबूत के साथ बनाता हूँ, ऐसे नहीं बात करूँगा। ये है राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ और आज की न्यूज़ है, आज का मतलब 21 जून की बता रहा हूँ जी साथियों। इसमें मैं बता देता हूँ, साफ साफ लिखा है भाई, 45 लाख रुपए में चार्टर प्लेन बुक कर वतन लौटे 170 भारतीय। जी हाँ साथियों, 170 लोग पहुंचे हैं अपने दम पे, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें, समझ लीजिए बात को। और इसमें ये पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको फायदा होने वाला है। मैं एक लिंक भी छोड़ दूंगा, जो राजस्थानी लोग हैं भाई इनसे कांटेक्ट करें, ये आपकी जरूर हेल्प करेंगे। मेनार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई आबू धाबी अल रस अल खेमा शारजा में कोरोना काल के लंबे अरसे से फंसे प्रवासियों की शनिवार को आखिरी वतन वापसी हो ही गई। लॉकडाउन में नौकरियां गंवाकर घर में बैठे सैकड़ों प्रवासियों में से 170 प्रवासी वतन लौट आए। जी हाँ साथियों, और ये फ्लाइट उतरा शनिवार को सुबह 6:35 यूएई के अल खेमा एयरपोर्ट से स्पेशल चार्टर फ्लाइट से शनिवार सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और 7 दिन के लिए जयपुर में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। जी हाँ साथियों, समझ गए होंगे आपको बाद में। इसमें मैं बता दूं कहाँ कहाँ के आदमी, इसमें कांकरोली, राजसमंद, टोंक, जयपुर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर के प्रवासी हैं। वलकनऊ उपखंड के 90 से अधिक प्रवासी हैं। मेनार से 3 दर्जन से अधिक प्रवासी हैं जो कई वर्षों से दुबई में कार्यरत थे। जी हाँ साथियों, इसका श्रेय किसको जाता है वो देख लीजिए, किस किनों ने लोगों ने हेल्प करी, मदद करी, ये मैं बता देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है भाई, दुबई से लौटने के दौरान जब एक साथ लोग एकत्रित हुए तो भावुक हो गए। जी हाँ साथियों, मैं फोटोज वगैरह भी डाल दूंगा, आप देख लीजिए। प्रवासियों की वतन वापसी में शंकरलाल गुजर, सकेत कुमार, गुरमीत कौर, मानस पांडे, विकास कुमार, कनक पांडे की अहम भूमिका रही। जी हाँ साथियों, उल्लेखनीय है, मामले को लेकर पत्रिका ने खाड़ी देशों में प्रवासियों के हालात पर खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय को पत्र लिखे। मेवाड़ समिति के अध्यक्ष शंकरलाल गुजर ने दुबई में भारत के दूतावास से संपर्क कर इनको भारत लाने के प्रयास किए। वंदे भारत मिशन के तहत वतन लौटने के ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के तहत आवेदन किया, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि जयपुर के लिए फ्लाइटों की संख्या ज्यादा नहीं थी, यानी 0 के बराबर थी मैं मान सकता हूं। अब आगे सुन लीजिए भाई, बाकी लोगों की होगी जल्द वतन वापसी। मेवाड़ सेवा समिति दुबई के अध्यक्ष शंकरलाल गुजर ने बताया, प्रवासियों की परेशानियों को देखते हुए दुबई में भारतीय राजदूत के समक्ष प्रवासियों की समस्या रखी थी। वे टू इंडिया नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, इसमें भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मेरे पास आया है, मैं वीडियो के नीचे लिंक छोड़ दूंगा, तो आप उस व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन होकर आप इनकी हेल्प ले सकते हो अगर आप चाहो तो। आगे भी क्यों ये करते रहेंगे काम, ये समाज से भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें वतन लौटने वालों को जुड़ने की अपील की गई। इसके बाद सभी से आवश्यक दस्तावेज, टिकट की राशि जमा करवाने को कहा। कुछ ही घंटों में राशि एकत्रित हो गई। इसमें प्रत्येक प्रवासी से 1250 दराम खर्चा, सुन लीजिए भाई, टिकट का 1250 दराम व पासपोर्ट दस्तावेज इकट्ठे किए गए। करीब 45 लाख रुपए में एक प्राइवेट चार्टर प्लेन स्पाइस जेट बुक कर सभी प्रवासियों के टिकट जारी किए गए। टिकट बुकिंग से लेकर एयरपोर्ट पर चार्टर टेक ऑफ लैंडिंग तक की सभी सूचना ग्रुप के माध्यम से साझा की गई। बाकी प्रवासियों को जल्दी वतन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप समझ गए होंगे इस बात को कि और भी आप राजस्थानी लोगों, आपका नंबर इसमें आ सकता है। मैं लिंक व्हाट्सएप लिंक छोड़ दूंगा, आप उसको क्लिक करोगे, उस लिंक में आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना ताकि आपका भाई चांस हो जाता। हालांकि मैं इनको जानता नहीं हूं, आपको क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ न्यूज आई है, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको हकीकत का पता लगे कि किस तरह से आना होता है, ये एक रास्ता है आपके पास आने का। मेरा वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है कि हकीकत और सच्चाई का आपके साथ रूबरू आप होते रहें ताकि आपको कोई अंधेरे में नहीं रख सकते। ठीक है साथियों, लिंक पे आप क्लिक करके भाई आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं फिर बता देता हूँ, मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है, मैं इनको नहीं जानता हूँ। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।